पिछले वर्ष की विजेता गुजरात टाइटंस ने अपने खिलाड़ियों को ज्यादा चेंज नहीं किया। कप्तान पांड्या ने अपने इन खिलाड़ियों पर ज्यादा भरोसा किया। फिलहाल गुजरात टाइटंस से तेज गेंदबाज लॉकी फर्गुसन रहमानुल्लाह को रिलीज कर दिया गया है तथा गुरकुरत सिंह, जेसन रे, वरुण एरोन तथा डोमिनिक ड्रेंक्स को भी रिलीज कर दिया गया। हार्दिक पांड्या किसी भी कीमत पर खिताब गंवाना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने कुछ नए और तेज तर्रार चेहरों को टीम में शामिल किया। गुजरात टाइटंस की टीम में हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, डेविड मिलर, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेट, साई सुदर्शन, राहुल तेवतिया, राशिद खान, विजय शंकर, मोहम्मद शमी, अलजारी जोसेफ और प्रदीप सांगवान शामिल है। पिछले IPL में कप्तान पांड्या ने 8 विकेट लिए तथा 487 रन भी बनाए, जबकि शुभमन गिल ने 483 रन बनाए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि गुजरात टाइटंस तथा लखनऊ जायंट्स के शामिल होने से BCCI को 12,690 करोड़ रुपए की कमाई हुई। 29 मई 2022 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हराया था। गुजरात टीम की मजबूती की बात करें तो हार्दिक पांड्या शानदार ऑलराउंडर हैं। ये रन भी तेजी से बनाते हैं और विकेट भी लेते हैं, जबकि शुभमन गिल एक शानदार बल्लेबाज हैं जिन्होंने हाल में वनडे में दोहरा शतक तथा T20 में भी शतक लगा चुके हैं, जबकि राशिद खान मिस्ट्री स्पिन फिर से जादू बिखेरने को तैयार हैं, जबकि मोहम्मद शमी, राहुल तेवतिया, अलजारी जोसेफ तथा स्वयं कप्तान हार्दिक पांड्या विपक्षी बल्लेबाजों में खौफ पैदा करने के लिए तैयार बैठे हैं।